राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज आपके लिए लेके आए टाटा पंच ईवी। वीडियो क्रेडिट जाता है कटारिया गैराज का, जिनकी हमने ये वीडियो क्लिप्स यूज की है। तो सबसे पहले टाटा पंच ईवी की प्राइसिंग की बात करें, लगभग 14.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का। इसके अंदर आपको दो बैटरी पैक देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला मिलता है आपको पंच ईवी 25 किलोवाट का, जिसके अंदर आपको कंपनी क्लेम करती है 315 किलोमीटर की माइलेज। दूसरा आपको मिलता है पंच ईवी एलआर, जिसके अंदर 35 किलोवाट का बैटरी पैक है और कंपनी क्लेम करती है 421 किलोमीटर की माइलेज। इसके अंदर आपको माइलेज काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक ये टाटा का न्यू ईवी का प्लेटफॉर्म उसके ऊपर बेस है गाड़ी। पहले वाला सीन आपको नेक्सन वाला नहीं इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में आपको सेम नेक्सन जैसी गाड़ी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये कुछ इस तरह ओपन होता है, और इसका अंदर यहाँ पे इसका बटन दिया हुआ है जिससे ये ओपन होता है। तो इसका लोगो है, उसमें भी आपको चेंज कलर चेंज देखने को मिल जाएगा। एलईडी डीआरएल से मिल जाती है, एलईडी हेड लैम्प, एलईडी फॉग लैम्प देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है 195/60 R 16 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाता है न्यू अलॉयज के साथ में, और फोर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर आपको, जो आपको किसी और गाड़ी में इसके कंपटीशन में देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं ये लुक की। जो सेम आपको पंच के अंदर देखने को मिल जाता है, वही सेम फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए पीछे भी। आपको यहाँ पीछे में जो पंच ईवी है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। बूट स्पेस की बात करें तो सेम वही बूट स्पेस है। इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील गायब भी कर दिया कंपनी, ना ही नीचे देखने को मिल जाता। तब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में आपको काफी प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग के ऊपर आपको सेम नेक्सन में जैसे इल्यूमिनेटेड लोगो आता है, वही इसमें आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर जिसे आप जो रीजनरेट वाला सिस्टम वो ऑपरेट कर सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 10.2 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसके आपको इनबिल्ट अलेक्सा और अमेजन प्राइम वाले फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी को रोक के एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर 4 स्पीकर 2 ट्विटर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी आप कलर अपने आप हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पे थोड़े बहुत इसके कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी पोर्ट और टाइप सी पोर्ट। नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर है, और यहाँ पर आपको इसका आर्मरेस्ट में देखने को मिल जाता है, जितनी इसके अंदर आप कुछ स्टोरेज है। 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें गाड़ी की सेफ्टी की, तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे, और पंच ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसका सेफ्टी स्कोर भी काफी अच्छा है। गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी 22 जनवरी से।